मैं सलोनी जरीन और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम बात करते हैं आज की तारीख में घटी देश और दुनिया की कुछ अहम घटनाओं के बारे में। तो चलिए इसी क्रम में जानते हैं आज यानी 2 दिसंबर की तारीख का इतिहास। मुंबई जाने वाले ज्यादातर लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने जरूर जाते हैं और इसकी स्थापत्य कला और भव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि गुलाम देश को उपकृत कराने 2 दिसंबर 1911 को पहली बार यहाँ आए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का धन्यवाद करने और उनकी यात्रा की याद में देश की वाणिज्य राजधानी में समुद्री मार्ग के प्रवेश द्वार के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। दक्षिण मुंबई में समुद्र तट के पास स्थित ये 26 मीटर ऊंचा द्वार है जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंसेंट के नेतृत्व में 1924 में बनकर तैयार हुआ था। देश और दुनिया के इतिहास में 2 नवंबर की तारीख में और भी कुछ अहम घटनाएं दर्ज हैं, आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। 2 दिसंबर 1804 नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताज पेशी की गई। 2 दिसंबर 1971 अरब प्रायद्वीप के 6 क्षेत्रों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरत की स्थापना की और फरवरी 1972 में इसमें एक 7वां देश भी शामिल हुआ। 2 दिसंबर 1976 फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने। 2 दिसंबर 2006 फिलीपीन में ज्वालामुखी का मलबा गिरने से 208 लोगों की मौत हुई थी और 261 लोग घायल हुए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए सन्नाइज से। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।